दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा बैंक नहीं जाके भी आप लोग कैसे आपकी पासबुक को अपडेट कर सकते हैं। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को गूगल प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा। जिस किसी भी बैंक को आप देखना चाहते हैं उसकी शॉर्ट फॉर्म लिखकर एम पासबुक लिखना और सर्च करना। जैसे हम बैंक ऑफ इंडिया की शॉर्ट फॉर्म लिख के BOI और एम पासबुक लिख के आपको सर्च कर दिखाएंगे। उसके पहले हम PNB अर्थात पंजाब नेशनल बैंक की सर्च करके दिखाती हूँ। जिस किसी भी बैंक की आप देखना चाहते हैं, अगर SBI की देखना चाहते हैं तो SBI एम पासबुक लिखकर आप लोग सर्च कर सकते हैं। जैसे पंजाब नेशनल बैंक की PNB एम पासबुक लिख के हम सर्च पे क्लिक कर दिए, यहाँ पे उसकी जो एम पासबुक वाला ऐप्स है वो गूगल प्ले स्टोर में चला आएगा। उसको आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं आपके मोबाइल में। यहाँ पे इंस्टॉल दिखा रहा है, इंस्टॉल आप लोग कर लेना। अगर पंजाब नेशनल बैंक की है तो पंजाब नेशनल बैंक करना, SBI की है तो SBI एम पासबुक लिखना। जिस किसी भी बैंक की है वो लिखना और सर्च करना। हम यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊंगा कि स्टार्टिंग से बैंक ऑफ इंडिया की कैसी होगी। हर किसी बैंक को तो नहीं दिखा सकती, आप लोग कमेंट करना, उसी बैंक को हम दिखाएंगे अगर आपकी ज़रूरत है तो। बैंक ऑफ इंडिया की स्टार्टिंग से दिखा रहा हूँ, देख लेना। यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया की पहले से हमें इंस्टॉल है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और ओपन पे क्लिक करेंगे तो ये ऐप्स ओपन हो जाएगी। ये ऐप्स जो है ये ओपन हो चुका है और यहाँ पे शो कर रहा है। इसको आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लेना क्या इसमें लिखा है। उसके बाद आप लोग नेक्स्ट पे क्लिक करना। उसके बाद दोबारा से एक पेज आएगी, उसको भी आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लो, उसके बाद ही नेक्स्ट पे क्लिक करो। यहाँ पे आप लोगों को जो भी दिखा रहा है अच्छी तरह से पढ़ो और प्रोसीड पे क्लिक करो। प्रोसीड पे जब भी क्लिक करोगी अगली पेज तुरंत चला आएगा। वहाँ पे आप लोगों की डिटेल्स फिल करना पड़ेगा। लिख रहा हूँ, देखिए यहाँ पे सिम अर्थात आपकी मोबाइल में जो भी नंबर बैंक में दिया है उस नंबर को मोबाइल में डालना पड़ेगा। यहाँ पे SIM2 में हमारी एयरटेल की जो सिम है वहाँ पे उस नंबर को बैंक में दिया है तो उस नंबर की जो सिम है उसको क्लिक कर दिया। इस पर सेंड में क्लिक कर दिया। यहाँ पे OTP भेजेंगे उन लोग बैंक से, OTP ले लिए और लोडिंग हो रही है। यहाँ पे 1.5 रुपया भी चार्ज कर दिए। यहाँ पे हमारी नंबर शो कर रही है और यूज़र रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कॉन्फर्म योर मोबाइल नंबर, कॉन्फर्म पर क्लिक करूँगा। उसके बाद यूज़र ID, यहाँ पे आप लोग एक यूज़र ID दे देना। यूज़र ID आप लोग आपकी नाम, आपकी माताजी का नाम, जिस किसी भी आपकी चाहे दे सकते हैं। उसके बाद चेक अवेबिलिटी पे क्लिक कर देना। उसके बाद दिखा रहा हूँ, देखिए क्या आएगा। हमारी जो यूज़र ID है वो कॉन्फर्म हो चुका है यहाँ पे। उसके बाद लॉगिन पासवर्ड अर्थात आपको 6 डिजिट की पिन देना पड़ेगा, लॉगिन पिन। आप 6 डिजिट के लॉगिन पिन देने के बाद सबमिट पे क्लिक करोगे तो ये पिन सबमिट हो जाएगी। सिक्स डिजिट की पिन देना, उसके बाद ही होगी, नहीं तो नहीं होगा। 6 डिजिट की पिन देने के बाद सबमिट पे क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन चला आएगा, व्यू ओनली यूज़र पे क्लिक करना। नीचे स्टेप, सेकेंड स्टेप जो है वहाँ पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज शो करेगी आप लोगों को। वहाँ पे आपकी डिटेल्स देना पड़ेगा, यूज़र ID, आपके अकाउंट नंबर, जो कुछ भी मांगेगा वहाँ पे देना पड़ेगा। उसकी डिटेल्स आपकी पासबुक में रहेगा, बैंक से जो पासबुक आपको दिया है उस पासबुक में सारी डिटेल्स आप लोगों को मिल जाएगी। अगर उसी जो इस नंबर
आपको बैंक में दिया है उसी नंबर अगर है तो कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिक चलाएगा। यहाँ पे यूज़र आईडी, कस्टमर आईडी दे देना, यहाँ पे कस्टमर आईडी ऑटोमेटिक चलाएगा अगर उसी नंबर इस फोन में रहेगा तो। यहाँ पे अगर ओके पे क्लिक कर देना, ओके पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज शो करेगी। यहाँ पे अकाउंट नंबर आप लोग दे देना, उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को नेक्स्ट पेज शो करेगी। इकने कॉन्ग्रेचुलेशंस, अर्थात हमारी जो अकाउंट हमने एम पासबुक के लिए खुला है वो कंफर्म हो चुका है। यहाँ पे आप लोग अपनी मोबाइल नंबर, यूज़र आईडी, कस्टमर आईडी कुछ भी देकर सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे हम मोबाइल नंबर दूंगा, लॉगिन पिन दूंगा और लॉगिन पे क्लिक करूंगा, ये लॉगिन हो जाएगी। मोबाइल नंबर देके आप लोगों को लॉगिन करके दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे लॉगिन पिन, जो पिन आप लोग पहले दिए उसी पिन को देना, उसके बाद लॉगिन पे क्लिक कर देना। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज चला आएगा। यहाँ पे आपकी माय अकाउंट, एम पासबुक सब कुछ शो कर रहा है, आप लोग एम पासबुक पे क्लिक करना। एम पासबुक पे क्लिक करोगे तो आपकी जो पासबुक है वो शो करेगी और उस पासबुक में आप लोग जो भी ट्रांजैक्शन किए हैं वो शो करेगी। यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा नीचे चले आना, यहाँ पे शो करेगी गेट स्टेटमेंट, उस गेट स्टेटमेंट पे क्लिक करने के बाद आपकी जो पासबुक है वो चलाएगा। यहाँ पे आपको पासबुक शो कर रहा है, पासबुक में आप लोग जो भी राशि जमा किए, उठाए, किसी को सेंड किए सब कुछ शो कर देगी। अगर आप लोग इसकी पीडीएफ भी लेना चाहते हैं तो नीचे की तरफ शो कर रही है जनरेट पीडीएफ। ईमेल स्टेटमेंट, अगर इस स्टेटमेंट को आप ईमेल में सेंड करना चाहते हैं तो ईमेल स्टेटमेंट पे क्लिक करना और ईमेल पे सेंड हो जाएगी। अगर इस वीडियो को आपकी सहायता कर रही है तो आप लोग लाइक करना और इस वीडियो को शेयर करना आपकी दोस्तों के साथ। जय हिंद। और किसी भी प्रॉब्लम हुआ तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपको रिप्लाई मिल जाएगी।